Hello kids, welcome to science session. Today we are starting with a new chapter, that is about body movements. Now body to aap samajh gaye, hamara sharir. Movement means what? How do we move our body? Aur agar hum kare to movement is related to different things. Like ek movement hota hai jaise we are walking, hum chal rahe hain, hai ya nahi hai. Means हमारा पूरा body is changing the place. Other type of movement क्या हो सकते हैं? और भी movement होते हैं ना, if we are not moving our body. But क्या होता है जब हम बैठे, even if we are eating, writing, हाँ क्या हो रहा है कि we are moving our hand, है या नहीं है? When we are writing, again we are moving our hand. और बैठे बैठे हम अपनी गर्दन ऊपर नीचे कर लेते हैं, हम साइड में देखते हैं. सो एंड इवन इफ वी आर टायर्ड वी स्ट्रेच अवर लेग्स. सो इस टाइप में इट इज मूवमेंट. ये नहीं है कि वी आर चेंजिंग द प्लेस ऑफ अवर बॉडी. इवन इफ वी आर स्टेशनरी, इफ वी आर नॉट मूविंग, देन ऑल्सो वी आर मूविंग अवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. ठीक है. सो मूवमेंट हमारा, अगर हम एक पहले जो अब तक हमने पढ़ा है, मूवमेंट में हम डिफरेंशिएट करते हैं व्हेन वी डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. कि लिविंग थिंग्स कैन मूव एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव. बट अब ये जो मूवमेंट है, इट इज नॉट ओनली विद द चेंजिंग ऑफ द प्लेस, इट इज व्हेन वी आर स्टेशनरी, देन ऑल्सो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अब ये कैसे मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या हम ह्यूमंस कैन ओनली मूव, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो अब आप लोग समझ गए हैं ना कि मूवमेंट ये जो है, इट इज नॉट अ सिंपल थिंग. हमें बहुत वास्ट वे में इसको पढ़ना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या है, पहले हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेंगे और उसमें और थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे. नाउ इन दिस पिक्चर कैन यू सी, जो मैंने अभी बताया था कि इट्स नॉट ओनली बाय सिटिंग. हम खड़े खड़े अपनी लेग्स को ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, यहां से यहां वी कैन स्ट्रेच. इवन जब हम चलते हैं तो हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में देर इज अ मूवमेंट. सो आप देख रहे हैं मूवमेंट ये नहीं, ऑलवेज देर इज अ फॉरवर्ड मूवमेंट. इवन आप मुझे यहां हल्का सा मूव करते देख रहे होंगे, आई कैन मूव फॉरवर्ड एज वेल एज आई कैन मूव बैकवर्ड. हाँ, नाउ आप ऐसे देख लें, हमको क्या होता है, कभी हमारा जब हम लिखते लिखते थक जाते हैं, वी कैन मूव अवर हैंड ऑल्सो, है या नहीं है. एज आई एम टीचिंग, आई एम एक्सटेंडिंग माई हैंड एंड देन ब्रिंगिंग इट बैक, सो आई कैन मूव माई हैंड ऑल्सो. नाउ आप जैसे देख रहे हैं, हम नीचे बेंड भी कर सकते हैं एज वेल एज हम पीछे भी बेंड कर सकते हैं, है या नहीं है. इसी वे में आप देख रहे हैं, दिस इज द एल्बो पार्ट. तो ये नहीं है कि हम पूरा हैंड मूव कर रहे हैं, इवन हाफ अवर हैंड आई कैन मूव. नॉट ओनली आई, ऑल ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल कैन मूव इन दिस वे. अब रिस्ट का देख लें आप, यहां पर सी एट दिस पिक्चर. तो जैसा जैसा मैं कर रही हूं, इफ यू वॉन्ट यू कैन गिव अ ट्राई. आप हथेली अपनी ऐसे रखिए, डाउन ऊपर नीचे, कैन वी मूव, यस वी कैन मूव. इन दिस वे वी कैन सी डिफरेंट पार्ट्स, इवन अवर टोज, हम अपने फीट वी कैन मूव राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं ना. थोड़ा सा और देखते हैं, ये हमने ऐसे देखे, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में डिफरेंट पोजिशन से, यहां पे अगर आई टेक दिस पार्ट, तो इसमें हमने लेग्स भी अपनी मूव करी, हैंड को एक पोजीशन दिया, इवन दूसरे हैंड को दूसरा पोजीशन दिया. तो ये नहीं है, अगर हम मूवमेंट कर रहे तो हमारे दोनों हैंड्स विल गो इन सेम डायरेक्शन, वी कैन चेंज द डायरेक्शन. अगर मैं एक हाथ अपना यहां फोल्ड करती हूं तो आई कैन एक्सटेंड द अदर वन, है या नहीं है. इवन अगर मैंने इसको ऐसे राइट हैंड साइड स्ट्रेच कराए, तो मैं अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट डायरेक्शन में आई कैन स्ट्रेच, है. सो नाउ अगेन आप देख रहे हैं, एक हमने ये देखा था कि कौन कौन से पार्ट्स वी कैन मूव. नाउ हम डिफरेंट पोजीशंस भी देख रहे हैं, लाइक लेग्स का. हाँ, हम ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हैं, यहां से भी स्ट्रेच कर सकते हैं. सो अभी तक पिक्चर्स में व्हाट वी आर लुकिंग एट, वी आर लुकिंग कि अवर बॉडी में
वी कैन मूव फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, मीन्स हमारे कुछ स्पेसिफिक हमारे ऐसे पोजिशंस हैं फ्रॉम वेयर वी कैन मूव द बॉडी पार्ट. नाउ मूवमेंट एट द सेम प्लेस व्हाइल राइटिंग इन नोटबुक, जैसा मैंने आपको बताया था, क्या है, हमारा पूरा बॉडी स्टेशनरी है बट अवर हैंड इज मूविंग, है या नहीं है. व्हेन यू टर्न टू लुक एट योर फ्रेंड, नाउ अब आप मुझे ही देख रहे हैं, क्या है, मैं आई एम टर्निंग वन टाइम हियर एंड द नेक्स्ट टाइम आई एम लुकिंग एट यू, है या नहीं है. ऐसे ही इफ यू आर सिटिंग, पीछे से कोई बोल रहा है, साइड से कोई बोल रहा है, क्या होता है, आप पूरा उठ के जाके देखते हैं, नहीं, यू जस्ट टर्न योर नेक एंड यू लुक एट कौन बोला, क्या हुआ, कहीं से अगर बैंग आवाज आई, व्हाट यू डू, एकदम आपका क्या होता है, सबसे पहले यू टर्न योर नेक. व्हेन यू आर टाइंग और कॉम्बिंग योर हेयर्स, सो क्या होता है, अगर आपको बाल बांधने, आप अपना हाथ पूरा अपना ऐसे लेके यू टेक इट टू द बैक, है या नहीं है. अब सपोज आपको खुजली हुई, आप यू फील एनी इरिटेशन एट योर बैक या लेग्स, तो क्या हुआ है, आप अपना हाथ यू कैन फोल्ड इट टू बैक, इवन अगर नीचे है तो आप थोड़ा सा लेग में आपकी खुजली हुई, क्या करते हैं, थोड़ा सा लेग भी बेंड करते हैं, थोड़ा बॉडी को बेंड करते हैं, थोड़ा हैंड को करते हैं, तो इट इज इन द कोऑर्डिनेशन, है या नहीं है, कि आप जिस वे में जैसे टर्न करना चाह रहे हैं तो ऑल बॉडी ऑर्गन्स आर एक्टिंग इन कोऑर्डिनेशन एंड यू आर एबल टू डू थिंग दैट यू वांट टू डू व्हाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग. तो हम इस टाइप से आई हैव कोटेड सम एग्जांपल्स, ऐसे देयर आर अनलिमिटेड एग्जांपल्स व्हिच वी आर डूइंग एंड वी आर डूइंग बिकॉज वी कैन मूव सम ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स. नाउ कैन यू नेम सम एक्शंस व्हेन यू मूव योर बॉडी, कुछ बताएं आप कि तो जब आप अपना बॉडी मूव करते हैं कौन कौन से एक्शन, आप बॉडी मूव कर रहे हैं, यू आर वॉकिंग, आप कोई गेम खेल रहे हैं, सपोज हॉकी खेल रहे हैं, तो यू आर मूविंग योर हैंड, यू आर इवन वॉकिंग रनिंग एज वेल एज मूविंग योर हैंड, हैंड के साथ यू विल सी यू आर यूजिंग योर रिस्ट, हम ये अपनी जो हमारी रिस्ट है इसको भी हम मूव करते हैं. इन द सेम वे इफ आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या होता है, आई मूव माई लेग एज वेल एज आई मूव माई फुट ऑल्सो टू किक द बॉल. कभी फुटबॉल अगर आप खेलते हैं एकदम समझ गए होंगे, नहीं है तो कोई एक बॉल लेकर किक मार के देखें, तो आपके लेग के साथ आपका जो एंकल जो फुट पोर्शन है डेट ऑल्सो मूव्स, है ये, है ना. ओके थिंक अबाउट सम मोर थिंग, कोई है, यस एवरीवन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, कैसे होता है, क्रिकेट में हम बॉल थ्रो करने के लिए पूरा हमारा जो हाथ होता है ऐसे पूरा टर्न होता है या नहीं होता है. तो इस वे में हमने गेम्स का देखा, सपोज यू लाइक टू डांस, तो डांस में भी क्या होता है, कितने हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं, द मोर वी मूव द मोर ब्यूटिफुल अवर डांस बिकम्स, है या नहीं है. एवरीवन लाइक्स टू वॉच द डांस ऑफ ऋतिक रोशन, है सलमान खान, सबके डांस हमें पसंद है, और हम क्या कहते हैं, क्या उसने कमर मटकाई, अरे उसके देखो उसका ये वाला एक्शन कितना अच्छा हुआ, या कोई टाइपकास्ट हो जाता है कि एक एक्शन करते ही पता चल जाता है ये वाला डांस कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक तो टिपिकल हो गया, प्लस उसका जो मूवमेंट है वो जिस टाइप से अपने उस बॉडी पार्ट को मूव कर रहा है, जिस कोऑर्डिनेशन से मूव कर रहा है, इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल टू अस. नाउ ये तो हमने जो बात कर रहे थे, दीज आर ऑल द ऑर्गन्स दैट आर विजिबल टू अस, है ना, सारा जो हमारा विजिबिलिटी में था, आई हैव डिस्कस दोस. नाउ डू यू नो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है, देयर आर ऑल्सो सम मूवमेंट गोइंग ऑन, कैसे, जैसे हमारा ईसोफेगस, ईसोफेगस मीन्स हमारा ईसोफेगस मीन्स फूड पाइप, इन हिंदी वी से खाने की नली. So when our chewing of our food, when the food is entering in the esophagus to reach to the stomach, there is some movement in the esophagus, उसकी muscles move करती हैं, जिससे the food moves downward in downward direction. Stomach में भी क्या होता है, या अगर आप देखेंगे तो it moves to digest the food, उसके muscular movement से mashing होती है.
इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन, ऐसे ही इंटेस्टाइन. तो अगर हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, देयर इज अ मूवमेंट. इवन वी टेक द एग्जांपल ऑफ हार्ट. हार्ट का तो आपने देखा होगा, कभी भी इवन आजकल जो हम पिक्स भेजते हैं उसमें क्या होता है, हार्ट बीट होता है, धक 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 करता दिखाई देता है या नहीं है, या खुद आप कहते हैं हार्ट धक धक, तो क्या है, देयर इज मस्कुलर मूवमेंट इन द हार्ट. एज वेल एज आप लंग्स का लें, तो लंग्स का जैसे मैं पिक्चर में दिखा रही हूं, तो लंग्स के साथ देयर इज वन मोर पार्ट अटैच टू इट, दैट इज डायफ्राम. दिस इज डायफ्राम, ये जो रेड से आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, दिस इज डायफ्राम. नाउ क्या आप ये देख रहे हैं, यहां पे जब हम सांस ले रहे हैं तो दिस इज बिकमिंग इन अ डोम शेप. इसमें मूवमेंट हुआ, इसमें क्यों मूवमेंट हुआ, क्योंकि लंग्स ने अपने को स्प्रेड आउट करा है कि जो एयर है वो अंदर ले सके, तो इट वॉन्ट्स टू क्रिएट मोर स्पेस. बट व्हेन इट वॉन्ट टू एक्सहेल इट आउट, उसको बाहर निकालना होता है, वो प्रेस होता है. इट वी कंपेयर लंग्स विद व्हाट, वी कंपेयर इट विद लाइक बैलून. जब हवा भरती है वो फैल जाता है, और जब हवा निकालनी होती है क्या होता है, हम उसको पिचकाते हैं. तो इन लंग्स ऑल्सो वी कैन सी लॉट ऑफ मूवमेंट. कैन वी से एनिमल्स ऑल्सो मूव देयर बॉडी पार्ट्स, कह सकते हैं. यस, एनिमल्स ऑल्सो मूव ना, एनिमल्स कम इन लिविंग बींग्स. और हम क्या देखते हैं, जो गाय है या जितने एनिमल्स की टेल है, दे कॉन्टिन्यूसली मूव देयर टेल, दे मूव देयर फोर लेग्स टू मूव फॉरवर्ड. इवन यू कैन सी देम फ्लिपिंग देयर ईयर्स. एलिफेंट बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, काओ, बफेलो, यू सी दे आर मूविंग देयर ईयर्स. नाउ अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे काओ है, इट मूव्स बाय बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेग्स यूज करती है. और ये वो क्या है, ये इस टाइप के जो जब वो चलती है इसको कहते हैं वॉक. नाउ ह्यूमंस अगेन क्या है, लेग्स के साथ मूव करते हैं, और ह्यूमंस के लिए भी वी कैन से दे वॉक. इवन हम दोनों के लिए रन भी बोल सकते हैं, जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं. स्नेक क्या होता है, उसका पूरा बॉडी मूव करता है, और उस मूवमेंट को वी से स्लिथर. बर्ड, बर्ड का जो क्या है, दे आर विंग्स. विंग्स कैसे दे, इसके लिए मूवमेंट के लिए क्या कहते हैं, फ्लाई. इंसेक्ट, इंसेक्ट्स क्या होता है, इधर दे मूव बाय देयर बॉडी पार्ट्स और दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर स्मॉल लेग्स, देयर वेरी टाइनी लेग्स. और कहीं कहीं क्या होता है, इन लेग्स का स्पेशल नाम भी होता है, बट जनरली हम कह रहे हैं, और इसके लिए हम क्या कहते हैं, दे क्रॉल भी इनके लिए वर्ड आता है. इस वे में फिश भी क्या है, इट यूज फिन्स. और हम क्या मूवमेंट को क्या कहते हैं, स्विम. तो इस वे में वी कैन टॉक अबाउट नंबर ऑफ एनिमल्स. सो इन दिस वे वी कैन से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड द ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डेट आर ऑल्सो डिफरेंट. नाउ ये थोड़े से मैंने आपको इसमें दिखाए हैं, एनिमल्स डेट कैन फ्लाई लाइक पिजन, ड्रैगन फ्लाई, लेडी बर्ड, ईगल. जैसे मैंने कहा था, वॉक एंड रन लाइक राइनोसेरस, काओ, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ. आई एम नेम्ड अ फ्यू, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ दीज एनिमल्स. एनिमल्स डेट कैन स्विम, आप देख रहे हैं, स्विम में शार्क आ गई, ईल आ गई, व्हेल, सी लायन एंड गोल्ड फिश. एंड एनिमल्स डेट कैन क्रॉल लाइक आपका क्रोकोडाइल, लिजर्ड, क्रैब, टर्टल, टॉर्टोइस. सो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट में देयर आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. नाउ क्वेश्चन इस पे क्या अराइज हो रहा है, कि व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मूवमेंट्स. हर किसी का मूवमेंट एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, कुछ फ्लाई कर रहे हैं, कुछ क्रॉल कर रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ स्विम कर रहे हैं, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंस. एंड
वाई डू दे डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मूवमेंट्स एज वेल एज हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या जाएगा, कोई और इन सबको देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि वाई देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स एनिमल्स, वाई देयर इज अ डिफरेंस इन ऑर्गन्स, वाई देयर इज अ डिफरेंस इन ऑर्गन्स, है ना। किसी के पास क्या है, किसी के पास आपके विंग्स हैं, कोई अपना इज मूविंग विद द बाय द होल बॉडी मूवमेंट है, या किसी के पास फिन्स हैं, तो ये सब डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो कुछ तो हमारा है ना। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, सो इन दिस चैप्टर, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर अबाउट बॉडी मूवमेंट्स, तो हमने ये देखा है कि बॉडी मूवमेंट जितने लिविंग बींग्स हैं, जितने एनिमल्स हैं, देर इज अ बॉडी मूवमेंट एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट, बट वॉट इज द रीजन बिहाइंड देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल कि ये सारा जो डिफरेंस आ रहा है क्यों आ रहा है, अंदर हमारे बॉडी के अंदर ऐसे क्या स्ट्रक्चर में डिफरेंस है जिससे ऊपर से वी कैन सी ऑल दीज डिफरेंसेस, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू टेक इन दिस चैप्टर, सो इन द कमिंग सेशंस वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, टिल वी मीट अगेन, बाय।